नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेष राशि वालों। दोस्तों, स्वयं भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि आने वाले 7 दिनों के अंदर, आपको बता दें कि 18 मई से लेकर जो 24 मई का समय होगा, यह एक काम कर दें, आपका घर पैसों से भर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि हर कोई अपने जीवन काल को बेहतर बनाने के लिए पैसे कमाने की राह पर निकलते हैं। कोई पैसे कमाने के लिए अगर अच्छे कार्य करते हैं तो कोई पैसे कमाने के लिए पूरे कार्य भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, जिन्होंने भी मेहनत और संघर्ष से कमाया है उनका धन टिकता है, लेकिन दोस्तों जिन्होंने भी छल और कपट का सहारा लिया है धन कमाने में, अक्सर उनका यह शिकायत आती है कि धन हमारा टिकता नहीं, कहीं ना कहीं किसी के बहाने, रोग के बहाने या फिर किसी मुसीबत के बहाने हमारा धन हमारे घर से चले ही जाते हैं। जी दोस्तों, तो दोस्तों आने वाले 7 दिनों के अंदर आपको भी अपने जीवन काल में यह एक काम करना है, जिनसे दोस्तों आपके जीवन काल में धन से जुड़ी सभी समस्याओं का अंत होगा और भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन काल पर बरसेंगी। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि भोलेनाथ को कौन नहीं जानता। हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं में एक नाम भोलेनाथ का भी आता है। जी दोस्तों, भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, इन्हें शिव बेलपत्र से भी लोग प्रसन्न कर लेते हैं। अगर आप सच्चे मन से शिव को बेलपत्र भी अर्पित कर देते हैं तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्द आपसे प्रसन्न भी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आने वाले 7 दिनों के अंदर भगवान भोलेनाथ आपको क्या कहते हैं कि कौन से एक कार्य कर दें ताकि आपका घर पैसों से भर जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सबको बता दें कि भगवान भोलेनाथ का अब ब्रह्मबेला का समय शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 18 मई से लेकर जो 24 मई का समय होगा, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, 18 मई से लेकर 24 मई का जो समय होगा, भगवान भोलेनाथ का ब्रह्मबेला का समय शुरू होने वाले हैं। यश में भोलेनाथ अपने भक्तों के ऊपर दिलो जान निछावर करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ग्रहों में जो शुभ योग का निर्माण हुआ है, शास्त्रों का कहना है कि आने वाले 7 दिनों में भोलेनाथ के बहुत ही दुर्लभ संयोग शिव नाम का शुभ योग का निर्माण होने वाले हैं, जो कि दोस्तों आने वाले 7 दिनों तक उनके भक्तों के ऊपर बड़ा ही चमत्कार करेगा। तो दोस्तों, ऐसे में आप बिल्कुल ही मौके को ना गवाएं और दोस्तों यह एक काम आप जरूर ही कर दें। जी दोस्तों, उससे पहले दोस्तों सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखकर भगवान भोलेनाथ का स्मरण कर लें। भगवान शिव का असीम आशीर्वाद आपकी और आपके परिवार पर बरसेंगी। जी दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले 7 दिनों के अंदर आपको किन क्षेत्रों को लेकर सावधान भी रहना होगा, कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में, पारिजन में आपके प्रत्येक क्षेत्र पर क्या क्या प्रभाव होने वाले हैं। जी दोस्तों, साथ ही बात करेंगे कि आपको यश में कौन से एक चीज है जिन्हें करने से आपके जीवन काल में पूरी तरह धन से जुड़ी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भोलेनाथ के एक बहुत ही अमूल्य वचन से कि दोस्तों भोलेनाथ कहते हैं कि क्यों घबराते हो तुम, हर वक्त क्यों घबराते हो तुम, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, हमेशा अपने कार्यों पर डट कर आगे तो बढ़ो, मैं तुम्हारे मंजिल के तो पास हूँ, जरा नजरें खोल कर तो देखो, अपने अंदर हिम्मत रख कर तो देखो, मैं कहीं और नहीं, तुम्हारे आगे हूँ, तुम्हारे पीछे हूँ और तुम्हारे दाएं बाएं हूँ, बस अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम्हारे अंदर मैंने क्या जोत जगाई है, यकीनन तुम्हें अपने सफलता का मंजिल मिल जाएगा, बस यूं नजरें ना झुकाओ और अपने आप में हार ना मानो। जी दोस्तों, अगर आपको यह बातें पसंद आई हो या बातें आप समझ पाए हैं, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों इनके लिए कमेंट बॉक्स में दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आए दोस्तों, इसके साथ वीडियो को प्रारंभ करते हैं कि आने वाले 7 दिनों के अंदर भोलेनाथ की शुरुआत से आपके जीवन काल में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, इसके उपरांत बात करेंगे कि आपको यश में कौन से एक चीज को करना है। तो आए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, यश में दोपहर के बाद परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेंगी।
बेहतर होगा कि दोस्तों यह समय दिन की शुरुआत आपने कार्य संबंधी रूपरेखा बनाकर करें। विद्यार्थियों को भी अपनी मेहनत के अनुरूप यह समय उचित परिणाम भी हासिल होंगे। दोस्तों युवा वर्ग को अपने भविष्य को लेकर ज्यादा सक्रिय और गंभीर रहने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत यह समय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय किसी मित्र के साथ कहासुनी हो सकती है। यह समय धैर्य और संयम के साथ काम लें। वाहन या फिर किसी महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को खराब करने की वजह से आपके सामने खर्चे भी आ सकते हैं। दोस्तों कोई भी यात्रा करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों काफ़ी सारी बातें आपके मन के मुताबिक होने की वजह से आपको आनंद भी मिलेगा, परिवार से आनंद प्राप्त होगा, पेशे संबंधित कोई खास खबर भी इसमें आपको मिल सकती है जिनकी वजह से परिवार में आनंद का वातावरण बना रहेगा। दोस्तों खर्चे कम होने की वजह से आप पर बना दबाव भी यह समय कम होगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों यह समय कुछ समय से चले आ रहे तनाव से आपको राहत मिलेगी तथा पुनः घर की सुख सुविधाओं में संबंधित जरूरतें पूरी करने का आपका जो पूरा प्रयास उसमें रहेगा। दोस्तों आय के नए स्रोत भी यह समय बनने की संभावना बन रही है। दोस्तों यह समय अधिकतम व्यवस्था के कारण आप घर पर आराम नहीं करेंगे। दोस्तों यह समय संतान की वजह से कोई चिंता भी आपके ऊपर रह सकती है, परंतु दोस्तों यह समय गुस्से के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का हल निकालें, यह आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। नकारात्मक विचारों को हावी यश में अपने ऊपर ना होने दें। इसके उपरांत दोस्तों यश में काम में गति प्राप्त करने की आपकी इच्छा होने के बावजूद भी आप यश में मनचाहा गति अपने काम में नहीं ले पाएंगे। दोस्तों यश में काम के आखिरी वक्त तक नहीं कहोगे काम आखिरी वक्त तक नहीं होंगे, लेकिन अंत में सारी चीज़ें आपके मन के मुताबिक होने वाली है। इसलिए दोस्तों संयम रखना आपके लिए जरूरी होगा। मित्र परिवार की वजह से आपकी इसमें चिंता बढ़ सकती है। साथ ही दोस्तों यशमी प्रॉपर्टी के सेल परचेज संबंधी कोई योजना बन रही है तो तुरंत उस पर अमल करें। यह समय ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में है, आपको निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होगी। दोस्तों धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति आप यशमी रुझान बढ़ेगा, आत्मिक उत्थान करेगा। दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे, घर में किसी बात को लेकर कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों संतान की गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखने की आपको आवश्यकता होगी। दोस्तों मामा पक्ष के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाकर रखें। यह समय अनावश्यक यात्रा के स्थगित रखने की आपको जरूरत होगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, अधिकतर वक्त अकेले गुजारने की वजह से आपके अंदर अकेलापन का डर बढ़ रहा है। दोस्तों यह समय आपको अपने व्यक्तिगत दायरे से बाहर निकलकर लोगों के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करनी होगी। नए कामों को करने से आप कोशिश करेंगे। दोस्तों यह समय जिनकी वजह से आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, नए अनुभव भी आपको यह समय प्राप्त होंगे। इसके बाद दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आप यह समय शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को दृढ़ संकल्प या फिर सुदृढ़ महसूस करेंगे। दोस्तों यह समय आपके लक्ष्य व फिर कार्य प्राथमिकता में रहेंगे। दोस्तों कोई भूमि संपत्ति की खरीदारी संबंधी रूपरेखा भी यश में बनेगा। रिश्तों की मजबूती को बढ़ाने में आपका यश में विशेष योगदान रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय संतान संबंधी किसी नकारात्मक बात को लेकर घर के वातावरण में कुछ उदासी भी छाई रहेगी, परंतु दोस्तों अपने सहयोग द्वारा समस्याओं को सुलझाने की आप कोशिश करें। जोखिम भरे कार्यों से इसमें दूर रहें। भाइयों को भी भौतिक व फिर भावनात्मक रूप से काफी हद तक मदद की जरूरत पड़ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, दोस्तों अभी तक ली हुई मेहनत का फल यश में दिखेगा। फिलहाल दोस्तों हर कोई बात आपकी योजना के मुताबिक होने वाली है, इसलिए दोस्तों व्यर्थ की चिंता को छोड़कर यश में काम पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। छोटी प्रगति भी आपको यश में बड़ा आनंद प्राप्त करवाएगा। वही दोस्तों यश में अगर आपकी करियर यानी व्यवसाय को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय व्यवसाय में किसी भी तरह की साझेदारी के लिए समय उत्तम है। दिन के दूसरे पक्ष में स्थितियां अति अनुकूल हो जाएंगी, परंतु दोस्तों कार्यस्थल की आंतरिक स्थिति में कुछ बदलाव लाने की जरूरत होगी। दोस्तों यह समय कर्मचारियों के साथ भी उचित सामंजस्य बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में व्यापारिक मंदी की वजह से थोड़ी सी चिंता भी रहेगी। यह समय काम करने की प्रणाली में बहुत कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता होगी। दोस्तों नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी
कोई अनचाहा कार्य करने की वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों व्यवसाय के कार्यों में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आएंगी। सभी कार्य योजनाबद्ध तरीके से भी संपन्न होते जाएंगे। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को यह समय दिन का जो हिस्सा होगा महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने का समय होगा। दोस्तों यह समय आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों व्यवसायिक गतिविधियों में भी यह समय सुधार आएगा। उपरांत दोस्तों यह समय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय विवाहित जीवन साथी प्रेम संबंध दोनों ही सौहार्दपूर्ण रहेंगे। दोस्तों भावनात्मक नजदीकियां यह समय बढ़ने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे दोस्तों यह समय पति पत्नी के मध्य में उपज रहे तनाव का असर घर परिवार पर भी पड़ सकता है। हालांकि दोस्तों आप परिस्थितियों को संभालने में भी यह समय सक्षम रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या रह सकती है। दोस्तों यह समय व्यायाम आपके लिए जरूरी होगा। तो दोस्तों ये 3 ग्रहों की स्थिति जो कि आपके जन्मकाल पर घटित होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों सके 7 बात करते हैं कि आने वाले 7 दिनों के अंदर आपको अपने जन्मकाल में कौन सा एक चीज है जिन्हें करना है। दोस्तों देखते ही देखते आपके जन्मकाल में सभी धन से जुड़ी समस्याएँ खत्म हो जाएंगी और पेशों से आपका घर भरेगा। जी दोस्तों आप शिव को बता दें, दोस्तों आपको बता दें कि आप शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चढ़ाएं। साथ ही आप आने वाले सोमवार के दिन में रुद्राक्ष की माला से ओम सुमिश्राय नमः का करीब 108 बार जाप करते रहें। जी दोस्तों इस उपाय से आने वाले 7 दिनों के अंदर आप इन उपायों को करें और दोस्तों इनका जो बहुत ही ज़बरदस्त आपको लाभ मिलेगा। आपके जन्मकाल में आपकी आर्थिक तंगियां, आर्थिक परेशानियां दूर होंगी और भोलेनाथ का असीम कृपा आपके जन्मकाल पर यूं ही बरसता रहेगा। जन्मकाल से समस्याएं खत्म होने लगेंगी। जी दोस्तों बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शायद दोस्तों और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।